यहाँ पर आने के बाद हमारे खुद होश उड़ गए कि इनके पास लगभग 250 से 300 स्टॉक सिर्फ ऑयल मिल में देखने को मिल गया। ये सोलह रिंग है और इसका वन टाइम का प्रोडक्शन जो है ना 150 kg वन टाइम का प्रोडक्शन है इसका। आजकल बॉडी भी कास्टन की बिक रहे हैं, वो क्या है कहीं गाड़ी में कहीं दूर गया, पलट गया, डैमेज हो गया, हमारा बॉडी भी लोहे का मिलेगा। ये अपना 15 HP मॉडल है, सपोज करिए जब ये 15 HP मोटर से चलेगा इसका प्रोडक्शन 250 किलो है। आज तक हमने जितना भी मशीन बेचे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, कहीं ऐसा नहीं है कि एक बार मिस्त्री ना गया हो। अच्छा। मेन चीज हमारा सर्विस और मेन चीज क्वालिटी देते हैं। जितना भी हमारा मॉडल है वो सब 3 फेज से ही चलने वाला है। अच्छा, एक राउंड कैपेसिटी हॉपर की बात की है तो कितना हम ये 40 किलो इसमें आ जाता है। अच्छा, 40 किलो सरसों एक बार डालेंगे तो 40 किलो इसमें सीड आ जाएगा। मान लीजिए किसी के पास कम बजट है, इस उद्योग का रोजगार वो करना चाहता है तो उनके लिए क्या कुछ रहेगा? ऑल ओवर इंडिया प्रधानमंत्री योजना चली रही है, उसमें आप बैंक से जाके लोन ले सकते हैं, वो मशीन मिल जाएगी। अच्छा, जो हमारे चैनल के माध्यम से आते हैं उनके लिए कुछ ऑफर रहेगा कि नहीं? उसके लिए सर आप 5,000 रुपए डिस्काउंट किया। क्या बात है। नमस्कार आप सभी को, फिर से आप सभी का वापस से एक नए बिजनेस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, तेल मिल उद्योग का रोजगार हो और शुभ इंटरप्राइजेस की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस समय हम दोस्तों मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से कुछ दूरी पे, यानी कि इस समय सिकंदराबाद में मौजूद हैं और लेकर आ गए हैं आप लोगों को शुभ एंटरप्राइजेस में। यहाँ पर आने के बाद हमारे खुद होश उड़ गए कि इनके पास लगभग 250 से 300 स्टॉक सिर्फ ऑयल मिल में देखने को मिल गया। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेकर आते हैं तो जैसा कि ये सिर्फ आप गोदाम देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको लघु उद्योग से रिलेटेड कोई मशीन ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑयल मिल देखने को मिल जाने वाली है। ये देखिए, बड़े मॉडल की भी हो गई, छोटे मॉडल की भी मशीनें वहां पर लगी हुई है। और ये तो अभी आपको सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं, इसके बाद वाले गोदाम में जब आपको लेके चलेंगे ना तो वहां पे आपको पूरा गोदाम जो है ना सिर्फ ऑयल मिल मशीनों से भरा देखने को मिल जाने वाला है। साथ में यहां पर देख सकते हैं एक कस्टमर का भी, ये ऑयल मिल खरीदारी के हैं, उनका ये सेटअप पूरा जा रहा है। एक फिल्टर भी है, एक ऑयल मशीन भी है। सीधा चलते हैं शुभ एंटरप्राइजेस के ऑनर के पास, उनसे सारी जानकारी लेंगे। यदि आप भी चाहते हैं ऑयल मिल उद्योग का रोजगार शुरू करना तो बढ़िया और अच्छे क्वालिटी से मशीन कैसे खरीद सकते हैं, साथ ही साथ ये उद्योग का रोजगार आप कैसे शुरू करेंगे, तो आज पूरी जानकारी पूरा डिटेल संक्षेप सहित देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों आप लोगों को रूबरू करवाते हैं शुभ एंटरप्राइजेस के ऑनर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। आज तो आज हमारे भी होश उड़ा दिए आप। जी जी जी, मतलब इतना ज्यादा सेगमेंट ऑयल मिल मशीनरी में इतना स्टॉक। सर मेरे पास जो है ना कम से कम महीने का 100-150 मशीन निकल जाता है। क्या बात है जी, इसीलिए स्टॉक रखते हैं। अभी समय कहाँ मौजूद है सर? एड्रेस मैं ईस्ट में यूपी जिला बुलंदशहर सिकंदराबाद, हमारा ये गोदाम है जी। जी अच्छा, बात की है सर ऑयल मिल की लाइन में, आज आप कब से काम कर रहे हैं? हमको सर 7 साल हो चुके हैं। अच्छा, 7 साल से हम यही प्रॉपर, हम कोई दूसरा काम नहीं करते, सिर्फ कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर ही बेचते हैं। जी जी जी। अच्छा, इस समय बहुत ट्रेंड चल रहा है ऑयल मिल का सर? ऑयल मिल का सर कोल्ड प्रेस का अधिक चल रहा है, परंतु कोल्ड प्रेस में भी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा हम जो बेचते हैं ना 99% बेस्ट क्वालिटी में बेचते हैं। वो आप आज को मेन चीज जो ये मशीन कोल्ड प्रेस मशीन है ना, इसमें पूरी मशीन के अंदर स्पेयर पार्ट्स का ही मेंटेनेंस होता है, स्पेयर पार्ट्स का ही सब कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बात कीजिए मॉडल के अंदर तो कौन कौन से मॉडल में आप डील करते हैं? मेरे पास सर 7.5 HP है, 10 HP है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 30 HP तक हमारे पास मॉडल मिलेंगे। जी 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 बिल्कुल। जैसे अपना ये 10 HP मॉडल है। अच्छा, इसका जैसे ये 10 HP मॉडल के बाद इसमें 16 रिंग होते हैं जी। ये 16 रिंग है और इसका वन टाइम का प्रोडक्शन जो है ना 150 kg वन टाइम का प्रोडक्शन है इसका। अच्छा। और इसमें जो है ना ये हमने जो ये पार्ट दिए हुए है ना, ये SS-BCRM ग्रेड होता है, कार्बन स्टील वो होता है। बहुत से कोई कुछ बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा है, बस कस्टमर क्या है कि बोलता है कि 10 HP मशीन चाहिए। 10 HP मशीन से ही मतलब होता है, उसको ये नहीं पता कि क्वालिटी किस क्वालिटी से ये बना हुआ है। ये हमारा जो ये बॉडी भी है ना, ये कास्टन का नहीं है, ये लोहे का बॉडी बना हुआ है। पूरे बॉडी जो है ना ये लोहे की बनी हुई है। अच्छा। और दूसरा, जैसे आजकल बॉडी भी कास्टन की बिक रहे हैं, वो क्या है कहीं गाड़ी में कहीं दूर गया, पलट गया, डैमेज हो गया, हमारा बॉडी भी लोहे का मिलेगा।
और जो ये मेन चीज स्पेयर पार्ट्स हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 20 CRM ग्रेड होता है कार्बन स्टील, कोई बर्तन वाला स्टील नहीं होता, ये कार्बन स्टील होता है 20 CRM ग्रेड उसका बना हुआ होता है जी। अच्छा, इसके अंदर सर मोटर की बात, या तो मोटर जो आप खुद लगा के देते हैं कि कस्टमर को लेना, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मोटर के साथ चाहे तो हम क्रम्पटन का मोटर लगाते हैं ओनली, उसके बाद अगर कोई नहीं लेना चाहे तो मोटर नहीं भी देते हैं। अच्छा, क्या होता था कि जो अभी कोल्ड ऑयल प्रेस मशीन आ रही थी उसमें लोग ज्यादातर ये करते थे कि कहीं बर्म में प्रॉब्लम आ जा रहा था, कहीं कुछ में प्रॉब्लम आ जा रहा था। सर देखिए, मैं आपको आज बर्म का ही खेल दिखाना चाह रहा हूँ, आप आइए मेरे, मैं एक बार आपको वो दिखाता हूँ। मेरे पास दो तरह के मॉडल मिलेंगे आपको जी। ये D2 का पार्ट है, MS का, ये D2 में बने हुए हैं। ये जो पार्ट है ना, देखिए इनको जूम करके दिखाइए, ये D2 में बने हुए हैं, MS पार्ट में हैं। अगर इसी मॉडल को जैसे 10 HP में जाएंगे, कम से कम 80,000 रुपए ये मशीन डाउन हो जाएगी। अच्छा, ये पार्ट चेंज करने से ही 80,000 रुपए 10 HP का मॉडल जो है डाउन हो जाएगा। और ये सर क्वालिटी का फर्क है ना। अच्छा, ये MS का पार्ट है, ये SS का पार्ट है। SS का मतलब ये है 20 CRM ग्रेड होता है कार्बन स्टील, ये होता है D2, ये होता है MS का पार्ट। अच्छा, अब देखा जाए तो मार्केट, अगर सर सुनिए, ये चीज बेच रहे हैं मार्केट के अंदर नहीं, 99% यही कस्टमर बस 10 HP कोल्ड प्रेस बूझेगा। हाँ। और कुछ नहीं बूझता है, और 15 HP 20 HP बस HP बूझता है, कोई ये नहीं पूछता कि किस पार्ट में किस मटेरियल में मशीन बना हुआ है। ये चीज हम आज इसके लिए उजागर करने के लिए हमने ये पार्ट दिखा रहे हैं, ये SS का पार्ट है। अच्छा। ये MS का पार्ट है, इसका लाइफ 2 साल 7-8 घंटे चलाएंगे, 2 साल आराम से चलता है, ये 5-6 महीने चलता है इसका, इसका 3 गुना लाइफ ज्यादा है। क्या बात है जी, मतलब धड़ल्ले से देखा जाए तो मार्केट के अंदर ऑयल प्रेस में। सर देखिए, हम जो है ना, जितना भी मेरे पास ये मशीन लगा हुआ है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मशीन के अंदर कौन सा पार्ट लगा रहे हैं या कोई वैसे ही लगा रहे हैं, मशीन के अंदर भी हम यही वो MS वाला पार्ट जो है ना, हम वो ऑर्डर पे बना के देंगे, बस मिलेगा जरूर। ये देखिए, ये हमारा SS का पार्ट है, आप देख लीजिए, ये 15 HP मॉडल है, मेरे पास सबसे ज्यादा 15 HP मॉडल बिकता है, क्योंकि नहीं तो ज्यादा छोटा होता ना बड़ा होता। इसका प्रोडक्शन भी 200 से 250 किलो घंटे का प्रोडक्शन है, और इसमें 27 रिंग होते हैं। कोई इसी मॉडल को 20 HP में बेच देता है, कोई इसी को 25 बताता है। तो ये अपना 15 HP मॉडल है, सपोज करिए जब ये 15 HP मोटर से चलेगा, इसका प्रोडक्शन 250 किलो है, चाहे इस पे 25 HP मोटर धर दो, प्रोडक्शन तो 250 ही रहेगा। मोटर से कभी HP नहीं बनता है, उसका कैपेसिटी होना चाहिए और कितना घंटे का माल निकालता उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, कैसे पता करेंगे कि 15 HP की ही मशीन है? ये 15 HP में 27 रिंग होते हैं, और 27 रिंग को भी छोड़िए प्रोडक्शन कितना है। अच्छा, 15 HP का 250 किलो प्रोडक्शन वन टाइम का 1 घंटे में होता है जी। और देखिए, ये जो है ना 27, अगर कोई और भी जांच करना चाहे तो ये 27 रिंग होते हैं, इनकी कोई अगर काउंटिंग भी कर सकता है आके जी, बिल्कुल। और दूसरी चीज ये, जैसे हमारा ये मशीन देख रहे हैं ना 15 HP भी, ये पूरा लोहे में बना हुआ बॉडी है, नहीं हाईवे तो देखने से ही लग रही है। और देखिए, मेरे पास अगर कोई दूसरा भी देखना चाहे ना कि लोहे में और उसमें फर्क है या नहीं, ये कास्टन में है। अच्छा। ये कास्टन में बॉडी बना हुआ है, ये देख लीजिए, ये कास्टन है, मतलब दोनों प्रकार की मशीनें रखे ताकि कंपैरिजन भी किया जी 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 जी। और देखिए, हर चीज में जैसे ये होपर है ना, इसका होपर का भी जो अपना चद्दर है बहुत हैवी है, और इसमें हमने खल तोड़ने का कटर भी हम खुद लगा के देते हैं अब। अच्छा, जैसे बहुत से क्या है कि हाथ से मसलते हैं, उसको अपना हाथ वाला सिस्टम खत्म कर दिए, इसमें हमने कटर लगा के दिए हुए हैं कि जाके कस्टमर को परेशानी ना हो, इसलिए हमने ये सब सुविधा करके दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इस मशीन को यदि भैया कोई लगाना चाहता है तो उनको जगह वगैरह की बात की? ये सर 15 HP मॉडल है, 10x10 के रूम में भी आराम से लग जाता है, क्योंकि इसको कोई जमीन में फाउंडेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा जी, तो इसके साथ फिल्टर मशीन जो है, फिल्टर मशीन भी मिलता है, जो मतलब कस्टमर का रिक्वायरमेंट है ऑयल उसमें, तो वो सब मेरे पास मिलेगा जी। बिल्कुल। और दूसरी चीज सर ये है, अपने मशीन आज तक जितना भी हम मशीन बेचते हैं, मेन चीज होता है मशीन में सर्विस। आज तक हमने जितना भी मशीन बेचे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया,
कहीं ऐसा नहीं है कि एक बार मिस्त्री ना गया हो। अच्छा। मेन चीज हमारा सर्विस और मेन चीज क्वालिटी देते हैं, इसीलिए कम से कम आप देख रहे हैं कितना स्टॉक रखे हुए, कम से कम ये 150-200 मशीन इस गोदाम में, 150-200 मेरे उधर मशीन है। बिल्कुल, तो इनके गोदाम में भी आपको लेके चलना है। ये तो आपको पहला गोदाम जहाँ दिखा रहे हैं बस झलक है, अगले गोदाम में लेके चलेंगे जहाँ पर आपको और भी ज्यादा स्टॉक जो है वो देखने को मिलने वाला है। अच्छा सर, आपने मशीन के अंदर जैसा कि बता दिया कि 27 रिंग है जी। हम कैसे विश्वास करें सर, मैं इसका काउंटिंग करके आपको बताता हूँ ना। ये देखिए ये 27 रिंग कैसे होते हैं, ये कोई रिंग नहीं होता है। अच्छा। ये यहाँ से इंगे जो है ना, ये कोल्ड प्रेस का मतलब जो होता है ना, यहाँ जैसे होपर में सरसों डलता है, इसके जस्ट नीचे 95% यहाँ को ऑयल निकलता है, उसके बाद अपना आता है प्रोसिंग जो है, 2-4% जो ऑयल रहता है वो निकलता है इन रिंगों के बीच में। जो देखिए ये रेशे दिए हुए हैं इनको देखिए। अच्छा। ये जूम करके देखिए, यहाँ को 2-4% जो ऑयल रहता है वो यहाँ को निकलता है। उसके बाद आती है, जैसे आप पूछ रहे हैं कि हम कैसे पता करेंगे, ये 27 रिंग हमने बताए इनका आप काउंटिंग कर सकते हैं, ये कोई रिंग नहीं है। इसके बाद आता है जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 रिंग होते हैं। 27 रिंग के बाद भी एक इसमें होता है बड़ा, ये होता है निचोड़ रिंग। अच्छा। ये होता है उसके बाद फाइनल जो करता है ये होता है प्रेसिंग रिंग। अच्छा। ये मतलब इनमें ये भी चीज अपन को जानकारी होनी चाहिए जब मशीन खरीदने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये तो बड़ी वाली मशीन का आपने बता दिया। ये 15 HP मॉडल है। हाँ, इस पे सर क्या है कि 15 HP आप 1440 RPM की मोटर लगाएंगे तो 15 से भी चलेगा। अगर इसी मशीन पे आप 10 HP 960 से भी चलाएंगे, वो 10 HP की भी मोटर इसको 960 वाली चला देगी। अच्छा, तो 10 HP को हम कैसे पता करेंगे? 10 HP ये अपना 16 रिंग का होता है। अच्छा। देख जैसे देखिए ये 16 रिंग है, इसमें दो प्रेसिंग रिंग और एक बड़ा निचोड़ रिंग होता है। इसके बाद जैसे ये अभी हम ये 16 रिंग होते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसमें दो प्रेसिंग रिंग यहाँ होते हैं, दो इधर होते हैं और एक निचोड़ रिंग यहाँ होता है। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो 150 से 170 किलो होता है वन टाइम का। अच्छा। और कोल्ड प्रेस मशीन का मतलब वन टाइम का ही होता है क्योंकि 95% एक बार में निकल जाता है। अच्छा, इसमें बिजली कॉस्ट क्या आ जाता होगा? बिजली मान के 15 HP का भी, बिजली मान के चलिए 4 यूनिट लेगी वो 5 यूनिट लेगी, क्योंकि 9-10 एम्पियर पे ये चलता है, 11-12 एम्पियर पे 15 HP चलता है। कमर्शियल बिजली लेना है? हाँ, 3 फेज से चलेगा, जितना भी हमारा मॉडल है वो सब 3 फेज से ही चलने वाला है। अच्छा, एक राउंड कैपेसिटी हॉपर की बात की है तो कितना हम ये 40 किलो इसमें आ जाता है। अच्छा, 40 किलो सरसों एक बार डालेंगे तो 40 किलो इसमें सीड आ जाएगा। जी जी बिल्कुल। बाकी ये सब प्लेट भी देख सकते हैं, ये सब अपना SS का है, ये सब हैवी क्वालिटी में बना हुआ है, आप आके विजिट करके भी देख सकता है कस्टमर अगर। जी जी बिल्कुल। तो आइए अब सीधा लेके चलते हैं भैया के गोदाम के पास। अच्छा, जाते जाते यहाँ पर एक गाड़ी लगी हुई है भैया जिसमें मशीन भी है और फिल्टर भी रखा गया। ये सर अपना ये पंजाब मशीन जा रहा है, ये लुधियाना में मशीन जा रहा है अपना, ये पंजाब जा रहा है, ये पंजाब जा रहा है सर। ये अपना 10 HP मॉडल है और 12 प्लेट का फिल्टर जा रहा है ये। लगभग देखा जाए तो और ऑल ओवर इंडिया आपका मशीन जाता है सर? मेरा मशीन मान के चलिए कम से कम 50 मशीन महीने में नेपाल चला जाता है। 50 मशीन नेपाल? नेपाल के अंदर। अभी शाम को 4 मशीन जो है ना नेपाल के लिए ही जाएगा। क्या बात है जी। तो यहाँ से यदि आप भी खरीदारी पूरे सर सुनिए, मेन चीज हमारा है कि सर्विस, हम नेपाल में भी सर्विस देते हैं, पूरे इंडिया में जहाँ भी कहीं भी, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, कोई सा भी स्टेट हो, इंडिया का कोई सा भी कोना हो, हर जगह सर्विस मिलता है। यहीं पर कहीं ना कहीं हर एक कंपनी फेल हो जाती है सर्विस और क्वालिटी के मामले में। मेन चीज सर क्वालिटी और दूसरा सर्विस, सर्विस होता है जी। अपने ने यही चीज दो फोकस किए हुए हैं कि ताकि कस्टमर को क्वालिटी मिले उसके बाद सर्विस मिले, क्वालिटी के बाद सर्विस भी तो मेन चीज है। बिल्कुल। सर्विस का बात रही, पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अगर हमारा मिस्त्री जाएगा ना, उसका टिकट कराना है जिस कस्टमर को, और कुछ नहीं, कोई चार्ज नहीं है, सर्विस चार्ज कुछ नहीं है, किराया देना है उसको बस। बतवा रहने खाने की भी सुविधा तो देनी पड़ेगी ना? वो तो जब जाएगा तो हर आदमी खाना खिलाता ही है, वो कोई वो इतनी बड़ी बात नहीं है। आने जाने का और रहने खाने का, बाकी सारा फ्री है। कोई मतलब अगर कस्टमर को ये लगता है ना कोई भाई किराया ज्यादा मांग रहा है तो अपने आप टिकट करा दे, पूरे इंडिया में कहीं भी, आसाम, बिहार, नेपाल, कहीं भी, ऑल इंडिया, हर जगह मिस्त्री जाएगा। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे सर अब अपने गोदाम में लेके चलिए। ठीक है सर, अब मैं दूसरे गोदाम में लेके चलता हूँ।
तो अभी देखिए सर के हम दूसरे गोदाम में लेकर आ गए हैं और यहाँ पर कोल्ड ऑयल प्रेस मशीन सिर्फ देखिए आप लोग, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये कम से गिनती कितना किया जाए सर आप ही बताइए। ये कम से कम 150 मशीन है सर, ये पूरा जो देख रहे हैं ना ये 15 HP मॉडल है। मेरे यहाँ कम से कम 50% 15 HP बिकता है, उसके बाद टोटल मॉडल बिकते हैं। सबसे ज्यादा अपने यहाँ जो है 15 HP मॉडल बिकता है, 15 HP का ज्यादातर, क्योंकि नहीं वो ज्यादा छोटा नहीं है ना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि 7.5 और 10 उसके बाद है ये 20, 25, 30 तो ये बीच का मॉडल है, तो इसलिए ये सबसे अधिक बिकता है और इसका प्रोडक्शन भी अच्छा है, 200 से 250 किलो वन टाइम का प्रोडक्शन है। अच्छा सर मेंटेनेंस की बात की जाए तो इन मशीनों के अंदर मेंटेनेंस क्या आ जाता है? सर मेंटेनेंस सिर्फ वर्म का मेंटेनेंस है, ओनली वर्म का मेंटेनेंस है और कोई मेंटेनेंस नहीं। अब क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता किस क्वालिटी में कोई दे रहा है तो उसमें मेंटेनेंस किस चीज का आएगा। अच्छा लोग कहते हैं कि कोल्ड ऑयल प्रेस मशीन में लगभग हम 12 तरह के सीड्स निकाल सकते हैं। सीड्स तो कोई सा भी हो, A to Z कोई सा भी सीड हो वो मस्त कोल्ड प्रेस से निकल जाता है। अच्छा हाँ, ऐसा कोई बीज नहीं है कि जो कोल्ड प्रेस से ना निकले। जी जी जी। अच्छा उस साइड छोटी मशीन है ये अपना 7.5 HP मॉडल है। अच्छा इसको अगर आप किसी के पास अगर 3 फेज का कनेक्शन नहीं है तो ये 5 HP सिंगल फेज से भी चल जाता है, घरेलू बिजली। हाँ घरेलू बिजली से 220 एम्प वोल्टेज होने चाहिए उसको चलाने के लिए, परंतु इसके बाद जो जितने मॉडल हैं वो 3 फेज से ही चलेंगे जी। अच्छा सर मान लीजिए किसी के पास कम बजट है, इस उद्योग का रोजगार वो करना चाहता है तो उनके लिए क्या कुछ रहेगा सर? उसके लिए क्या है कि आजकल जो है ना प्रधानमंत्री योजना चल रही है, 35% सब्सिडी मिलता है और हर स्टेट में चल रही है, किसी में मुख्यमंत्री योजना चल रही है तो, और ऑल ओवर इंडिया प्रधानमंत्री योजना चली रही है, उसमें आप बैंक से जाके लोन ले सकते हैं, वो मशीन मिल जाएगा। कोटेशन हम बना के देते हैं, कोटेशन का कोई दिक्कत नहीं है ना, कोटेशन का कोई चार्ज है, कोटेशन जब चाहे जब 2 मिनट में कोटेशन बना के दे देंगे। अच्छा मशीनों का बाई चांस कोई पार्ट खराब हो जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है तो वो पार्ट हमें कहां से लेना? सर अगर अपना जो जितने भी कस्टमर है अपनी मशीन में सबसे बड़ी यही है, अगर एक रिंग का भी फॉल्ट होता है तो एक रिंग भी मिलेगा कस्टमर को यहां से। हाँ अगर ऐसा नहीं है कि बहुत से क्या है कि पूरा पार्ट ही खरीदना पड़ेगा, उसको अगर एक रिंग भी जरूरत है ना तो एक रिंग भी मिलेगा हमारे यहाँ। अच्छा ये तो आपने बता दिया कि मशीन का सिर्फ, अभी बात की है सर यदि कोई अपना खुद का पूरा प्लांट लगाना चाहता है, मशीन भी लगाए, फिल्टर भी लगाए, पैकिंग का भी लगाना चाहता है, वो मेरे पास सर सब कुछ मिलेगा। इधर आइए मेरे पास ये फिल्टर मशीन का भी गोदाम हैगा और अच्छा। उसके बाद देखिए सर ये फिल्टर से पहले ये अपना 20 HP मॉडल है। अच्छा 20 HP। हाँ ये 20 HP का मॉडल है, इसका कैपेसिटी 300 किलो है, एक घंटे में 280 से लेके 300 किलो तक ये प्रोडक्शन वन टाइम का देता है। अच्छा। क्योंकि इसमें जो है ना और 95% इस मॉडल में एक बार में ही फाइनल हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है ना देखिए इसमें दो बड़े रिंग होते हैं, निचोड़ रिंग जो होते हैं वो दो होते हैं, एक ये लगा हुआ है एक ये लगा हुआ है। अच्छा इसमें कितने रिंग होंगे लगभग? इसमें 26 होते हैं क्योंकि इसमें 2.5 इंची के लगभग 2.5 इंची के दो पिछोड़ रिंग होते हैं। अच्छा जी तो निचोड़ रिंग वो जो बढ़ जा रहा है। हाँ इसमें जो है ना क्योंकि वो 2.5 इंची का एक ही निचोड़ रिंग हो गया तो 5 इंची तो दो वो ही हो गया और इसका जो पूरा चैम्बर है ना वो 32 इंची का चैम्बर है। अच्छा हाँ और इसका होपर की कैपेसिटी 50 kg एक बार में आ जाएगा इसमें माल जी। अच्छा इसके लिए बिजली कितना लेना पड़ेगा? 3 फेज में ये भी चलेगा? 3 फेज में ही चलेगा ये भी सर, कोई भी इस 10 HP हो 15 हो 20 हो 25 हो 30 हो सब 3 फेज से ही चलेगा। और सर हमारी मेन चीज देखिए ये भी दिखा दीजिए, ये भी 20 HP के मॉडल में जो है ना ये भी लोहे में है, कास्टन में ये भी नहीं है। अच्छा। मतलब टोटल जो क्वालिटी है ना अपना एकदम बेस्ट क्वालिटी है। एक बार कस्टमर किसी और के पास देख के फिर हमारे पास आए, हम ये नहीं कह रहे पहले हमारे पास आए, पहले दूसरी जगह देख के आए और फिर एक बार जरूर विजिट करे, मशीन कहीं से भी ले परंतु एक बार विजिट कर ले, क्वालिटी का तब पता लगता है जब आमने सामने कोई चीज को देखा जाएगा ना तब पता लगेगा। अच्छा सर बात की मशीन के अंदर गारंटी वारंटी की तो वन ईयर का पूरा वारंटी रहता है, मोटर से लेके मशीन से लेके एक्सीडेंटली कोई वारंटी नहीं रहती है। साथ ही बात की मशीन यदि कोई खरीदता है तो मशीन के साथ साथ क्या क्या देते हैं आप लोग? मशीन के साथ जो मशीन में पूरा सामान देते हैं बेल्ट पुली जो भी मतलब मशीन में लगता है, एक बिजली का काम छोड़ के
बोर्ड वगैरह या कोई केबल वगैरह नहीं देते, और टोटल सामान देते हैं जो भी मशीन के साथ आता है, सारी चीजें मिलती हैं। हाँ। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट सुविधा आपकी कहाँ कहाँ तक? पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे आउट ऑफ कंट्री भी कहीं भी मंगा सकते हैं। मैंने मतलब दुबई तक भी मशीन भेज रखी है। दुबई भेज दी? दुबई भी मशीन भेजी है। और अभी एक कस्टमर मेरा 2-3 दिन में आने वाला, उसका मेरे पास कम से कम 1.5 लाख रुपए आया हुआ भी है। सऊदी अरब मशीन जाएगा। हाँ बात है। तो यहाँ देखिए, भारत में बैठे भैया दुबई विदेशों तक यहाँ का ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ठीक है। तो यदि आपको इंडिया से ही है सर, तो एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ। कोई ये सोचता है ना कि बहुत से कहते हैं कि चाइना और वहाँ का है, मैं आपको बिलिंग भी दिखा दूंगा बाकायदा। मैंने 3 मशीन चाइना में इंपोर्ट की है। चाइना से लोग मतलब भारत मंगा रहे हैं, बहुत से क्या है चाइना से भारत मंगाते, मैंने 3 मशीन चाइना भेजी। मैं कागज भी दिखा सकता हूं अगर कोई देखना चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो देख सकते हैं ये अब भारत आगे बढ़ रहा है। जी जी जी, क्योंकि अब भारत की मशीनें चाइना में जा रही है। तो अभी भैया बात की जाए, अंदर जो आप फिल्टर दिखाने वाले हैं, फिल्टर भी दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर 25 HP मॉडल भी देखना चाहिए, इसका कैपेसिटी 400 किलो है पर आवर। ये अपना बहुत हैवी मशीन है। लोग वाग इसी मशीन को 30 HP में बेचते हैं। अच्छा। हाँ, ये 350 से 400 किलो प्रोडक्शन है इसका। 25 HP का मॉडल है ये। अच्छा अच्छा जी, इसी को कोई 30 में बेच देता है, कोई कहता है 40 में बेच देता है। मतलब कहने का ये है कि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मशीन बेची जानी चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि अगर इस पे 50 HP की मोटर रख देंगे, प्रोडक्शन तो 350 से 400 ही रहना है ना। जी जी बिल्कुल। तो ये है, जो भी कहीं भी मशीन ले, कहीं से भी ले, एक बार डेमो देखे उसके बाद मशीन ले। अच्छा, ये बात की है, यदि कोई मशीन खरीदता है आपसे तो पेमेंट क्या उनको मशीन ट्रांसपोर्ट पर जाने के बाद उनके यहाँ दिया? सर, अपना यहाँ पे 10% या 15% या 20% तक एडवांस जमा कर, हाँ 20% पहले एडवांस जमा कर दीजिए। उसके बाद उसके जैसे शहर में मशीन पहुंच जाएगा 10-5 किलोमीटर पहले, वो ट्रांसपोर्ट में जाके देख ले सकता है, उसके बाद अपनी मशीन वहां से ले सकता है। बिल्कुल। अब बाकी आपको सुविधा की बात की है, देखिए यदि आपका कुछ भी दिक्कत आता है, हॉपर भी है, प्लेट भी है, अगर भी सर है, कुछ भी मतलब ये मान के चलिए, देखिए ये जितना भी अगर ये बॉक्स लगे हुए है ना, सब में स्पेयर पार्ट्स होता है। अच्छा। अगर किसी को मेन चीज ये है, मेरे पास कम से कम इस टाइम 350 से 400 मशीन है, वो तो देखने से ही लगा, 350-400 मशीन है, तो 1000 मशीन का मेरे पास स्पेयर पार्ट्स है। अच्छा। अगर कोई ये कहे ना, मैं क्या है, कोई भी मेरे पास अगर दूसरी कंपनी का भी अगर कोई मशीन का पार्ट मांगता है ना, मैं उसको देता हूँ। अरे एक रिंग भी मांगता है तो भी मिलता है। अच्छा। हाँ, क्या बात है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत से बोलते हैं कि दूसरी कंपनी का हमारे यहाँ कोई पार्ट नहीं मिलेगा, मेरे यहाँ दूसरी कंपनी का तो भी पार्ट मिलेगा। हाँ, तो मतलब यहाँ पर इनका ये ऑयल मिल का छोटा मोटा काम मत समझिएगा, ठीक है। देखिए बहुत बड़े लेवल का काम है भैया का, और कभी भी किसी भी समय आपको कोई भी दिक्कत आती है यदि आप यहाँ मशीन करते हैं, तो आपको सारी सुविधा किसी भी समय दी जाएगी। ये सर जैसे अपना फिल्टर है, देखिए फिल्टर का भी जो हमारा अलग ही क्वालिटी है इसका, देखिए फिनिशिंग जो है ना, मेन चीज क्वालिटी होता है। अच्छा, फिल्टर में भी प्लेट आता होगा ना? हाँ, प्लेट आता है, जैसे 12, 14, 15, 16, 22, 24 प्लेट तक का फिल्टर होता है। अच्छा। और फिल्टर में भी क्वालिटी होता है, देखिये इसका कास्टन भी बहुत मतलब सुपर क्वालिटी का बना हुआ है, इसको देखिए। जी जी, इसमें छोटे भी आते होंगे, बड़े भी। 12 प्लेट से लेके 24 प्लेट तक का फिल्टर मिलेगा अपने पास। अच्छा, अब बात की भाई, ये रोजगार यदि कोई शुरू करना चाहता है तो मिनिमम आपसे जुड़ के कैसे शुरू, कितने में शुरुआत कर सकते? ये मिनिमम 2 लाख रुपए से अगर कोई अपना छोटे से छोटा सेटअप तैयार करना चाहता है, 2 लाख से लेके कितना बड़ा तो बड़ा कितना ही कर सकता है, मिनिमम 2 लाख से अपना वो रोजगार कर सकता है। बिल्कुल जी। बाकी आप लोग प्रॉफिट तो जानते ही है, यदि तेल मिल का उद्योग लगाते हैं तो आपका कितना प्रॉफिट? सर क्वालिटी अगर बेचते हैं ना तेल के, उसमें तो 30-35-40 रुपए किलो आराम से मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। प्रॉफिट भी ठीक है, परंतु क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई मिक्सिंग का क्वालिटी बेचेगा तो वो 100 रुपए किलो कमा ले, परंतु जो प्योर क्वालिटी और सुपर क्वालिटी बेचते हैं ना, तो 25-30 रुपए किलो आराम से प्रॉफिट आ ही जाता है। अच्छा भैया, हम चाहते हैं, आज आपने गोदाम घुमा दिया जी, हम चाहते हैं कि आप किसी कस्टमर को जहां मशीन दिए हुए वहां पे हम चलें। मैं सर आपको आज डेमो भी करके दिखाऊंगा और चलता हुआ मशीन भी दिखाऊंगा और कस्टमर के यहाँ ये भी ले जाके दिखाऊंगा कि कैसा सर्विस है। क्या बात है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा किसको किसको कस्टमर के यहाँ का वीडियो देखना है, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो जो हमारी रहेगी यहीं की मशीन की रहेगी, लेकिन वो वीडियो होगी कस्टमर के यहाँ। तो अभी वीडियो शूट चल रहा था हमारा और एक मशीन आप लोगों को पंजाब जाते हुए तो दिखाए हैं,
एक मशीन और भी जा रही है यहाँ से, ये कहाँ जा रही है? ये सर अभी ये पेमेंट आया इसका, ये गोपालगंज बिहार जा रही है, ये साढ़े सात HP मॉडल है, ये अपना गोपालगंज बिहार जाएगा। क्या बात है, तो यहाँ पर देखिए अभी सूट होते होते दो तीन मशीन तो ऐसे ही निकाल दी है आप। पर डे का 4-5 मशीन आराम से निकल जाता है, डेली का काम है ये। अच्छा, किसी को लेना रहा तो उनको कहाँ पर आना पड़ेगा, कैसे आना पड़ेगा? ये अपना सर यूपी जिला बुलंदशहर सिकंदराबाद होता है, ये नेशनल NH91 एक्सप्रेस वे है, दिल्ली से कानपुर वाला जी यहाँ पे आ सकते हैं। बिल्कुल। बाकी दोस्तों यदि आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं, आके चीजों को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आइए। यहाँ का जो एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप कॉलिंग टाइमिंग एक बार बता दे भैया। कभी भी कर सकते हैं, 24 घंटे में कभी भी कोई। अच्छा, जो हमारे चैनल के माध्यम से आते हैं उनके लिए कुछ ऑफर रहेगा कि नहीं? उसके लिए सर आपके 5,000 रूपए डिस्काउंट किया। क्या बात है जी, 5,000 100%। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों यदि आप आते हैं चैनल के माध्यम से, लेकिन तब भी जब आप हमारे फैमिली का हिस्सा रहेंगे, और फैमिली का हिस्सा बनने के लिए कुछ करना नहीं है, छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबा के एक वीडियो को लाइक और शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना है। इसका स्क्रीनशॉट भैया को दिखाइएगा, सीधे मशीन के ऊपर 5,000 तक का आपको डिस्काउंट मिल जाने वाला है। साथ ही साथ ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। सर डिस्काउंट की बात अब आई है तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे ये आजकल क्या है कि क्वालिटी को कस्टमर नहीं देख रहा है, कोई मशीन के साथ LED लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, मशीन ऑफर दे रहे हैं परंतु कस्टमर क्या क्वालिटी नहीं देख रहा है। मशीन के साथ सपोज करिए 1.5 लाख की मशीन है, उसके साथ मैं 5,000 रुपए का कोई ऑफर लगा दूं और मशीन 3 लाख का दे दूं, उससे क्या फायदा है? मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई लालच में या कोई किसी के ऑफर में या किसी में मत आइए, क्वालिटी देखिए और मशीन जब लीजिए। ऑफर तो 5,000 रुपए का ऑफर लगाने से कोई क्वालिटी थोड़ी है, 3 लाख का हो जाएगा। सपोज करिए क्रोमटन का मोटर है, क्रोमटन के मोटर पे कोई ऑफर नहीं होता है, लोग क्रोमटन के मोटर पे ऑफर देते हैं। कंपनी का आइटम जब ये चीज है सपोज करिए 3 लाख रुपए का, मान के चलिए मोटर है 30,000 रुपए का, तो क्रोमटन मोटर पे थोड़ी डिस्काउंट हो जाएगा, वो 15,000 का मोटर कहाँ मिल जाएगा ये बताइए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं भी किसी ऑफर में किसी लालच में मत आइए, पहले कहीं भी देखिए वो मशीन को क्वालिटी देख के तभी परचेज करें। पहले आइए देखिए समझिए और क्वालिटी को देखिए अच्छे तरीके से पहचानिए, तब उस पर जाके आप फैसला लीजिए अपना, ठीक है? तो फिर से मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।